दिल्ली NCR में एंटी करप्शन यूनिट का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक बार फिर बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का है, जहां पर एक हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन सिंह मेहरा को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज था और लंबे समय से गिरफ्तारी रुकी हुई थी। हालांकि इसके कारण साफ नहीं हो पाए कि ये लंबे समय से गिरफ्तारी क्यों रुकी हुई थी, लेकिन एंटी करप्शन मेरठ इकाई ने आज आकर इंदिरापुरम से ही पूरन सिंह मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। पूरन सिंह मेहरा ने अपनी सफाई में कहा है कि जिस संपत्ति को दर्शाया गया है उन कागजों को रिपीट किया गया है, जिससे वे आय से अधिक नजर आ रही हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच चल रही है। सर, एक ईडी ने आकर एक रिटायर दरोगा को गिरफ्तार किया है आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में, इंदिरापुरम थाने का मामला, क्या है पूरा मामला? ये वर्ष 2011 में इंदिरापुरम थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके द्वारा की जा रही थी। उसी के क्रम में आज उनकी गिरफ्तारी हुई और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का ये केस था जो कि दर्ज कराया गया था, उसी के क्रम में गिरफ्तारी हुई है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में ECB की टीम द्वारा ले जाया जा रहा है, मेरठ कोर्ट में पेश किया।